to each and every one of you that have been supporting me and following me throughout this whole journey. I know a lot of you out there, I think I'm very robotic, no emotion, nothing can get to me, nothing can bother me, things of that. And yeah, for the most part, that is true. But I'd be lying if I said that this time. You know, this time has really kind of took a toll on me, affected me mentally pretty hard. But these things happen, you know, this is life. And I understand, you know, I missed the Olympia this time around, as well as last year. And I disappointed a lot of the fans that really just wanted to see me on stage. And trust me, I get it. I wanted to be on stage too. It was very emotional and disappointing for me. But this isn't going to stop me. This isn't going to, you know, take away from my career. I don't think my career is over. I don't think everyone is surpassing me. I just think, look, I had a bad couple years. Things didn't exactly go the way I planned these past couple of years, but it's, excuse me, but it's not the obstacles that you face, right? It's not, you know, what happens to you in the moment that defines you. It's how you go about them now, you know, and I know who I am. हेलो गाइस, तो मैं ले आया हूँ बॉडी बिल्डिंग की बहुत सारी नई अपडेट्स। और आज की फर्स्ट अपडेट में हम बात करेंगे निक वॉकर की। यस गाइस, निक देखो काफ़ी लंबे टाइम से डीएक्टिवेट से हो गए थे, जब से इन्होंने बताया था कि भाई मैं मिस्टर ओलंपिया में कम्पीट नहीं कर सकता फॉर दिस एंड दैट रीज़न। उसके बाद गाइस निक ने अब सोचा होगा कि भाई ऐसे तो काम नहीं चलने वाला, लोग मुझे सीरियस लेना छोड़ देंगे, मेरी हाइप खत्म हो जाएगी, वैसे ही मुझे काफ़ी ट्रोल वगैरह कर रहे हैं। तो निक ने आगे आकर गाइस कई सारी चीज़ों के बारे में बात करी और अपडेट के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें मुझे बतानी है, तो इस सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे। बस सबसे पहले जो सबसे शॉकिंग या फिर एक थॉट प्रोवोकिंग, सोचने पर मजबूर कर देने वाली अपडेट आई है सामने निकल के, उसके बारे में बात करें गाइस। तो ये दिस राइट हियर। अब आप लोग बोलोगे तब्रेज भाई यहाँ तो हमें कुछ नहीं दिख रहा, निक वॉकर सिर्फ वर्कआउट करते हुए दिखाई दे रहे हैं और क्या है इसमें। तो मैं बोलूंगा गाइस थोड़ा गौर से देखो। यस गाइस, ये जिम है सी बम का, क्रिस बम्स्टेड का, और इस क्रिस के जिम में निक इज वर्किंग आउट राइट नाउ। यस, अब इससे दो बातें लोग सोच रहे हैं गाइस, और हम दोनों को ही डिस्कस करेंगे। पहली बात तो ये कि निक को सी बम ट्रेन कर रहे हैं, ये बात भी काफी ज्यादा निकल के आई है कि क्रिस बम्स्टेड इस वक्त निक वॉकर को ट्रेन कर रहे हैं, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं लगता सच्चाई है इस चीज के अंदर, बिल्कुल ही मुझे तो ऐसी लगती है कि र्यूमर की तरह उड़ाई जा रही है। क्योंकि अगर कर भी रहे होते तो आई थिंक इट वुड बी अ वेरी बैड डिसीजन फॉर निक वॉकर। निक को चाहिए इस वक्त गाइस कोई बहुत ही एक्सपीरियंस कोच जो उनकी वीकनेसेस पर काम कर सकें। साथ में सीबम ने भी अपना कोई ऐसा प्लान बताया नहीं कि मुझे किसी को अब ट्रेन करना है या मैं कोचिंग और ट्रेनिंग की लाइन में जाऊंगा। ऑल्सो गाइज, जस्ट बिकॉज सीबम एक इंसेन एथलीट है, एक बहुत ही डोमिनेंट चैंपियन रह चुके हैं या फिर एक लेजेंड है क्लासिक डिविजन से, एक ट्रिमेंडस बॉडी बिल्डर है, इसका मतलब ये नहीं कि वो कोच भी उसी कैलिबर के बन जाएंगे। हो सकता है बन जाए, हो सकता है नहीं बने, दोनों ही बातें हैं, मतलब देयर आर प्रोबेबिलिटीज ऑफ बोथ द थिंग्स। लेकिन सर्टेनिटी के साथ जब तक कुछ ऐसा प्रूव नहीं होता तब तक नहीं कहा जा सकता। और दूसरी चीज गाइस, दूसरी चीज जो निकल कर आ रही है वो ये है कि निक वहां पर हैनी से मिलने गए थे। यस, अब यहाँ पे लोगों का ना माइंड ब्लास्ट हो रहा है पूरी तरीके से कि हैनी इज ट्रेनिंग हिम। हो सकता है देयर इज पॉसिबिलिटी गाइस कि हैनी और निक ने वहां पर मीटिंग करी हो। अब देखो, निक का क्रिस के जिम में जाकर ट्रेन करना 90% कोई ना कोई रीजन तो रखता है, राइट? ऐसे कोई किसी के जिम में जाकर ट्रेन नहीं करता। साथ में कोलैब वगैरह का भी यहाँ पर हमें कुछ सुनने में नहीं आया कि कोई ऐसा वीडियो बनाए, यहाँ पर निक अकेले ही ट्रेन करते हुए हमें दिखाई दिए। अब वो क्या रीजन है आगे जाकर खुलकर आ ही जाएगा हम सब लोगों के सामने। बट हैनी और निक गाइस, हैनी लैम्बर्ट और निक वॉकर, और ये चीज गाइस सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा छाई हुई है, हर कोई ऑलमोस्ट इसी की बात कर रहा है। बिकॉज निक ने ये कुछ क्लिप्स डाल के ना पूरा इंटरनेट ब्लास्ट कर दिया इस चीज से, क्योंकि पीपल आर एक्चुअली वांटिंग इट, लोग एक्चुअल में देखना चाहते हैं निक को हैनी के साथ ट्रेन करते हुए, एक दूसरे कोच के साथ ट्रेन करते हुए। और वो दूसरे कोच कोई भी लोगों को इससे मैटर नहीं करता, लेकिन अगर वो हैनी हुए तो भाई आप एक टॉप मोस्ट कोच के साथ वर्क करते हो तो वो जो एक अलग ही चीज आएगी देखने के लिए, राइट? इसीलिए गाइस दैट इज द रीजन पीपल आर एक्चुअली वांटिंग इट, क्योंकि निक के माइंडसेट वाला मास मास्टर अगर हैनी के साथ ट्रेन करता है तो हैनी ही है जो उनकी वेस्ट पर काम कर सकते हैं, साथ में उनके लेग्स को बिगर कर सकते हैं, उनकी क्वाड्स पर वर्क कर सकते हैं। हैनी हमेशा से अपने एथलीट्स को गाइस चैंपियंस के हिसाब से ट्रेन करते आए हैं, मतलब जैसा चैंपियन होता है ना उसी हिसाब से अपने एथलीट को तैयार करते हैं उसे बीट करने के लिए। एंड जो इशू निक के साथ हैं, यस इस बारे में बोलना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि दूसरे कोचेस भी हैंडल कर सकते हैं, वो भी इस चीज को बहुत ज्यादा वर्क कर सकते हैं, बट हैनी आई थिंक इज वन ऑफ द ग्रेट चॉइसिस गाइस, वन ऑफ द ग्रेट चॉइसिस। अब देखो, इस बारे में ये बात निकल कर भी आ रही है कि हैनी क्या 3 एथलीट्स को एक साथ ट्रेन करेंगे जो कि
टॉप लेवल की हों जो कि ओपन डिवीजन में कम्पीट करे हो एक ही डिवीजन के। तो इस पर यह बात भी होने लगी कि पहले भी ऐसे कई सारे कोचेस हैं जो 3-4 एथलीट्स को एक ही डिवीजन के ट्रेन करते आए, बट फिर गाइस आई रियली फील हैविंग अ लॉट ऑफ एथलीट्स फ्रॉम वन डिवीजन, ये एक तो एक अलग चीज है, और दूसरी चीज ये है कि टॉप लेवल एथलीट्स मतलब जो बिल्कुल टॉप 5 के अंदर प्लेस कर रहे हो उनको ट्रेन करना है एक साथ में, वो एक बहुत ही अलग चीज है। कॉन्फ्लिक्ट भी बहुत ज्यादा पैदा हो सकता है, लोगों को आपस में दिमाग में भी आ सकती है कि भाई इस पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, मुझ पर नहीं दिया जा रहा है, या फिर मुझे इस तरह से ट्रेन नहीं कर पाएंगे। ऐसी कई सारी चीजें निकल के आ सकती हैं, जो डायरेक्ट की भी निकल के आ रही है कि हो सकता है देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि वो हैनी के साथ ट्रेन नहीं कर रहा है, रूमर्स आ रहे हैं इस चीज के मार्केट के अंदर, प्लस जिस तरह के पोस्ट वगैरह करे जा रहे हैं इस चीज से ये चीज लग रही है। बाकी देखते हैं इन दोनों में से क्या चीज सच्चाई निकलती है। सो आई डोंट नो व्हाट इज ट्रू व्हाट इज नॉट, बट ये हुआ अगर यानी कि निक को अगर हैनी ट्रेन कर रहा है तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो लेट्स सी कौन हायर होता है, निक को कौन ट्रेन करता है। बाकी निक गाइस अपने रीसेंट वीडियो में हमें बोल भी चुके हैं कि अभी इनके लास्ट 2 ईयर अच्छे नहीं गए, जैसे इन्होंने प्लान करा था वैसे नहीं गए, एंड अभी इनके माइंड में कपल ऑफ शोज हैं, यानी कि इन्होंने प्लान कर लिया है कि मैं इसी शो में कम्पीट कर सकता हूँ, बट जब ये एक्चुअल में फील करेंगे कम्पीट करने वाला, या फिर इनका माइंड सेट उस लेवल पर होगा, या फिर समझेंगे कि अब मैं एक्चुअल में फील कर रहा हूँ कि भाई हाँ अब मैं कम्पीट कर सकता हूँ, मुझे कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं और मेरी फिजिक उस लेवल पर पहुँच रही है, तब ये कम्पीट करने का प्लान करेंगे और तभी अनाउंस करेंगे उसके बारे में। अभी उस बारे में अनाउंस नहीं करेंगे, बट यस वेरी सून हमें लगता है गाइस कि हम निक वॉकर को फिर से स्टेज पर देखने वाले हैं, और इस बार एक नए माइंडसेट के साथ, एक स्ट्रॉन्गर माइंडसेट के साथ, और साथ में एक न्यू कोच के साथ। अब लेट्स सी वो कोच कौन होते हैं गाइस, मुझे तो देखने में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है कि भाई किसको निक हायर करते हैं और कौन इनकी वीकनेसेस पे एक दूसरे तरीके से वर्क करना स्टार्ट करता है। एनीवेज अगर नेक्स्ट अपडेट की बात करें गाइस तो वो है अनीक घोष की। यस देखो अनीक घोष है इस वक्त 9 डेज आउट कजाकिस्तान प्रो से। यस 9 डेज बाद ही मतलब नेक्स्ट वीकेंड को ही कजाकिस्तान प्रो में कम्पीट करते हुए हमें दिख जाएंगे अनीक घोष, एंड ये रुकने वाले नहीं है गाइस। आई एम रियली रियली हैप्पी कि अब मैं इंडियन एथलीट्स के बारे में ऐसा बोल सकता हूँ कि इनके अंदर भी वो आंख देखने को मिल रही है जो बाहर के एथलीट्स में हमें देखने को मिलती थी, हु जस्ट वांट्स टू बी देयर, हु जस्ट वांट्स टू क्वालिफाई और कम्पीट करना चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा। देखो ही ऑल्सो बिलोंग्स टू अ वेरी पुअर फैमिली गाइस, इस चीज को अभी तरुण गिल ने रिसेंटली एक पॉडकास्ट या फिर वीडियो के अंदर कवर किया था जो मैंने देखा था, काफी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और साथ में किस तरह स्ट्रगल के साथ अपनी बॉडी बिल्डिंग की जर्नी को कंटिन्यू रख रहे हैं, बट 9 डेज आउट गाइस, और 9 डेज आउट इस अपडेट के अंदर आई एम लाइकिंग व्हाट आई एम सीइंग हियर। डेल्स डेफिनेटली और ज्यादा राउंडर लग रहे हैं, और ज्यादा 3D लग रहे हैं, और ज्यादा कैप साइड पे लग रहे हैं, आर्म्स में आई डोंट नो ये एंगल की बात है क्या, बट आर्म्स बिगर लग रहे हैं। अब मुझे लगता है ये एंगल की बात है, इस तरह से आम ये बिल्कुल कैमरा के पास आ रहा है तो इसलिए हमें बिगर लग रहा है, बट अगर ऐसा नहीं है और एक्चुअल में बिगर है तो इनके लिए और एडवांटेज जाएगा इस चीज से। बाकी अगर प्रॉपर फ्रंट पोज की बात करूंगा तो कंडीशनिंग में मुझे यस थोड़ा सा लैग करते हुए दिख रहे हैं अभी इस पॉइंट पर, ये हो सकता है ये अपडेट इन्होंने 9 डेज आउट में डाली है लेकिन पहले की डाली हो 3-4 दिन पहले की, या फिर 2 या फिर 1 हफ्ते पहले की, या फिर हो सकता है कि मुझे लग रहा हो ऐसा, आपको ऐसा ना लगे, बट फ्रंट से जो है वो मैंने आपको बता दिया, लेकिन बैक से फॉर श्योर गाइस बैक वो प्लेस है जहां पर हम टोटली डिफरेंस देख सकते हैं। बैक पर देयर आर सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस एंड इट्स इंक्रेडिबल कि इतने ज्यादा कम टाइम पीरियड में कितनी ज्यादा थिकनेस हमें देखने को मिल रही है इनकी बैक पर। इस वक्त लैट्स आर वाइडर, लैट्स पे काफी ज्यादा काम करा गया विद एडिड लग रही है, डेंसिटी मसल्स की काफी इंक्रीज है बैक पे, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट गाइज डिटेलिंग इस पर काफी ज्यादा काम करा हुआ दिख रहा है, बैक पे काफी अच्छी डिटेल निकल के आ रही है, तो बैक हमें काफी ज्यादा 3D साइड पर पहले के कंपैरेटिवली होती हुई दिख रही है। फीडबैक आई डोंट रिमेंबर लास्ट शो में इनको क्या मिला था गाइज, बट अगर मुझे सही तरह याद है, थोड़ा अगर मैं सही बोल पा रहा हूँ आप लोग मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना, बट इनको फीडबैक इनकी बैक पर भी मिला था, एक बार अपर चेस्ट पर भी मिला था और बैक पर भी मिला था, तो बैक पर डेफिनेटली इन्होंने वर्क करा है, बैक डेफिनेटली इज वर्कड अप, एंड ये चीज गाइज इनको और कंपेटिटिव बना देगी, मतलब टॉप 3 तक तो ये ऑलरेडी प्लेस कर चुके हैं बाहर के शो में, आप जानते हो इस बारे में राइट, एंड विद दिस इंप्रूवमेंट विद दिस एडिड थिकनेस एंड डेंसिटी ऑन द बैक, सच में इनके जीतने के चांसेस और क्वालिफाई करने के चांसेस गाइस और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। एंड अगर ये ऐसे ही कम्पीट करते रहे गाइस, साल में इन्होंने 2-3 बार और कम्पीट कर लिया, आई थिंक जिस तरह से कोई भी स्टोन अनटर्न नहीं छोड़ते या फिर नेवर गिव अप मेंटालिटी के साथ इंप्रूव करना जारी रखते हैं हर एक शो के जरिए, आई रियली फील ही विल क्वालिफाई दिस ईयर, और इनका मिस्टर ओलंपिक स्टेज पर चढ़ने का सपना इस बार जरूर पूरा होगा। बाकी नेक्स्ट अपडेट की बात करेंगे तो ये बहुत ही ना एक इंटरेस्टिंग सी अपडेट है, ये है रफाइल ब्रांडाओ के बारे में, साथ में अकीम विलियम्स को भी हम इसी अपडेट के अंदर कवर करेंगे। तो गाइस रफाइल ब्रांडाओ और उनकी टीम ने अनाउंस करा है कि आप रोमानिया प्रो में कम्पीट करेंगे, बट एट द सेम टाइम गाइस अकीम विलियम्स ने भी अनाउंस कर दिया है कि मैं रोमानिया प्रो में कम्पीट करूंगा, तो एक बहुत ही जबरदस्त बैटल हमें इन दोनों के बीच में देखने को मिलने वाली है। अभी रिसेंटली आपको याद होगा मैंने कवर करा था कि रफाइल ब्रांडाओ गेस्ट पोस्टिंग करते हुए हमें दिखाई दिए, और वहां पर गाइस ये काफी अच्छा
वाटर और फैट होल्ड करते हुए हमें दिखाई दिया। बहुत जल्दी इनकी फिजिक ने रीबाउंड मारा था, लेकिन अब देखो इन्होंने रिसेंटली ये अपडेट शेयर करी है और यहाँ पर आप देख सकते हो कितने ज्यादा टाइटर साइड पे लग रहे हैं, वाटर वो फ्लश आउट लग रहा है, फिजिक काफी ज्यादा डाइस लग रही है। तो वाटर बहुत ज्यादा इन्होंने जल्दी से निकाल दिया और सच में अपने अच्छे शेप में वापस आ चुके हैं। लेकिन एट द सेम टाइम गाइस ओलंपिया दोनों के लिए अच्छा नहीं किया। अकीम विलियम्स की अगर मैं बात करूं तो वो वहां पर आई थिंक 10th प्लेस पर प्लेस हुए थे, साथ में अगर मैं इनकी बात करूं रफाइल की तो ये 8th प्लेस पर प्लेस हुए थे। वैसे इनकी लास्ट ईयर की यानी कि इससे पहले की जो अपीयरेंस थी उसमें इनकी 10th प्लेस थी, उसके बाद यहां पर 8th प्लेस आ गई थी, दो प्लेसेस इनकी इंप्रूव हुई थी। लेकिन कंपेयर टू अदर कंपेटिटर्स जो जितना ज्यादा इंप्रूव हुए थे ना वहां पर ये बहुत ज्यादा पिछड़ते हुए नजर आए रफाइल ब्रांडो। वही रीजन है गाइस कंडीशन की इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं थी, वैसी नहीं लाए जैसी हम देखना चाहते थे। आर्नो क्लासिक ओहायो के स्टेज पर जैसे ये लाए थे उसको अगर ये रिपीट करते तो हो सकता था इनके लिए चांसेस बन जाते, बट ये वैसी कंडीशन लेके आए वैसी सॉफ्ट फिजिक के साथ जैसे आर्नो क्लासिक ब्राजील के टाइम पे लाए थे। तो वही होगा इस जजेस ने इतना ज्यादा रिवॉर्ड नहीं करा, 10th से ये 8th प्लेस पर मूव कर गए बट उससे ऊपर नहीं आ पाए। साथ में अकी विलियम से देखो काफी ज्यादा हाई होप्स थी, आर्नो क्लासिक ओहायो बोल लो या आर्नो क्लासिक यूके बोल लो, दोनों में इनके साथ हमने एक चीज देखी पी जजिंग में इतने टाइट नहीं आए, थोड़े से वॉटरी आए लेकिन फाइनल्स में बहुत ज्यादा टाइट हो जाते थे, वो चीज इनके लिए काफी काम करी। लेकिन यहां मिस्टर ओलंपिया में उस चीज को रिपीट नहीं कर पाए और मिस्टर ओलंपिया में कंडीशन उस लेवल की ना ला पाए, इतने ज्यादा जबरदस्त मसल होने के बाद, इतनी ज्यादा इंक्रीज मसल मास होने के बाद, डेंसिटी होने के बाद अपने मसल्स में, उसके बाद भी ये अपनी प्लेसिंग को 10th से ऊपर नहीं कर पाए, कंपेटिटिव स्पिरिट इनका नहीं दिखा वहां पर मिस्टर ओलंपिया में। इसीलिए गाइस अब वेट करना पड़ेगा हमें अकीम और रफाइल की नेक्स्ट अपीयरेंस को देखने के लिए रोमानिया प्रो में जो कि बहुत ही जल्दी होने वाला है, वहां पर ये दोनों कम्पीट करते हैं, दोनों ही जल्दी क्वालिफाई होने का यानी अर्ली क्वालिफिकेशन पाने का मौका अपने हाथ से जाने नहीं देंगे। बोथ आर ट्राइंग टू कैप्चर अर्ली क्वालिफिकेशन गाइस, बैटल काफी अच्छी होगी, काफी स्ट्रांग होगी मुझे लग रहा है, बिकॉज देखो रफाइल एक तरफ साइज में थोड़ा सा लैक करते हुए जरूर दिखेंगे लेकिन एस्थेटिक्स वगैरह लाइंस वगैरह और हो सकता है कंडीशन भी इस बार नेल कर जाएं। बाकी अकीम विलियम्स के साथ भी यही है, एस्थेटिक्स में वो थोड़ा इतना ज्यादा पक्के नहीं दिखेंगे, थोड़ा सा लैक करते हुए जरूर दिखेंगे लेकिन एट द सेम टाइम गाइस मसल मास डेंसिटी मसल मैच्योरिटी ये वो एस्पेक्ट्स हैं जहां पर अकीम विलियम्स शाइन कर सकते हैं। बाकी कंडीशनिंग का इशू तो दोनों के साथ ही चलता रहता है। एनीवेज अगर इसके बाद बात करेगा इस नेक्स्ट अपडेट की तो वो है कार्लोस थॉमस जूनियर की। यस आप में से बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि भाई कार्लोस को कवर करो कार्लोस को कवर करो, भाई कोई रिसेंट अपडेट इनकी आएगी तो मैं कवर करूंगा जरूर। अभी देखो जैसे इन्होंने अपडेट दी है तो मैं कवर कर रहा हूँ, इन्होंने अपडेट ये दी है कि डिट्रॉयट प्रो में कम्पीट करने वाले। यस गाइस डिट्रॉयट प्रो में फाइनली हमें कार्लोस आफ्टर रियली रियली लॉन्ग ऑफ सीजन कम्पीट करते हुए दिख सकते हैं। अब दिख सकते हैं क्यों बोल रहा हूँ मैं, सिर्फ इसलिए गाइस क्योंकि नेक्स्ट जिला की तरह इनका रिकॉर्ड भी थोड़ा सा ऐसा ही है, ये पहले नाम दे देते हैं उसके बाद ऑप्ट आउट कर लेते हैं उसी शो से, लेकिन इतना ज्यादा इन्होंने नहीं करा जितना कि नेक्स्ट जिला ने करा है, तो फिर इन पे अभी भी थोड़ा सा ट्रस्ट हम कर सकते हैं। बट अगर इन्होंने यहाँ पर भी ऐसा कर दिया ना तो फैंस पूरी तरह से इनसे टर्न हो जाएंगे और फिर उसके बाद काफी हैवी क्रिटिसिज्म और ट्रोलिंग का सामना इनको करना पड़ सकता है। बाकी डिट्रॉयट प्रो अभी तक कन्फर्म कर दिया गया है और उसके साथ गाइस अगर हम याद करें लास्ट इनकी अपीयरेंस जो थी वो थी टेक्सास प्रो में कम्पीट करते हुए दिख रहे 2023 में, वहां पर एंड्रू जैक भी कम्पीट करे थे और वहां पर आए थे थर्ड प्लेस पर। यस गाइस थर्ड, इवन जब ये इतने ज्यादा कंडीशन नहीं थे, इनकी बैक बहुत ज्यादा सीरियसली लैग कर रही थी, उसके बाद भी थर्ड प्लेस पर आ गए थे, बिकॉज मसल मास ही कुछ ऐसी कैरी करते हैं, मास मास्टर बहुत ही जबरदस्त लेवल के हैं। बैक अभी भी देखो इनकी लैग करती होगी, मुझे नहीं पता कितनी ज्यादा इंप्रूवमेंट्स करी हैं, बैक की कोई भी अपडेट इन्होंने नहीं दिखाई, इनफैक्ट अपनी फिजिक भी पूरी तरह से रिवील नहीं करें, बट फॉर श्योर गाइज हम रियली इनको देखना चाहते हैं मिस्टर ओलंपिया के स्टेज पर और साथ में उससे पहले क्वालिफाई करते हुए किसी शो में कम्पीट करते हुए देखना चाहते हैं और बैक इनकी इंप्रूव देखना चाहते हैं। बाकी लेट्स सी हमें ये देखने को मिलता है या नहीं, ये तो टाइम ही बताएगा। अगर नेक्स्ट अपडेट की बात करें गाइज तो वो है रीगन क्राइम्स की। तो रीगन क्राइम्स अपनी इस लेटेस्ट अपडेट में अपनी फिजिक रिवील करते हुए हमें बोल रहे हैं कि ब्रिक बाय ब्रिक स्टिल अ फ्यू मंथ्स बिफोर प्रेप स्टार्ट। यस अभी यानी कुछ और मंथ्स इनका ऑफ सीजन चलने वाला है, उसके बाद इनकी प्रेप स्टार्ट होगी। लेकिन मुझे एक चीज इनके साथ समझ में नहीं आती गाइस, ये ऑफ सीजन में हर साल जाता हूं, ऑलमोस्ट इनकी हर साल की वही लोग प्रेप करते हैं, कंपीट करते हैं, क्वालिफाई करते हैं, ये हर साल ऑफ सीजन में जाते हैं, लेकिन मसल मास इनकी कभी भी उस लेवल की बड़ी हुई नहीं लगती। अभी भी आप देखोगे वैसे ही लग रहे हैं जैसे लास्ट ईयर के ऑफ सीजन में लग रहे थे, जबकि आई थिंक 1.5-2 महीने का ऑफ सीजन इनका ऑलरेडी हो चुका है या फिर उससे ज्यादा ही हो गया अगर मैं गलत नहीं हूं तो। और मेरे हिसाब से गाइस आप 3-4 महीने बाद देखोगे ना, जब जैसे कि ये बोल रहे हैं कि अभी मैं कुछ मंथ्स और अपना ऑफ सीजन कंटिन्यू रखूंगा, तो मुझे लग रहा है कि ये वैसे ही इसी हिसाब से इतना साइज ही रखने वाले हैं, उसके बाद कंपीट करने के लिए आएंगे। लेकिन आई डोंट नो मैन, आई डोंट नो, जब तक ये एक सीरियस लेवल की मसल मास ऐड नहीं कर लेते ना, इनको ऑफ सीजन पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हो सकता, इनको हर साल ऑफ सीजन लेने की जरूरत पड़ेगी। और वही गलती ये करे जा रहे हैं कि भाई ऑफ सीजन लेते हैं फौरन प्रेप कर लेते हैं वो मसल सारा लूज कर देते हैं, ऑफ सीजन लेते हैं प्रेप कर लेते हैं मसल लूज कर लेते हैं। भाई उसको रिटेन करने के लिए आपको ऑफ सीजन बहुत ही लंबा लेना पड़ेगा या फिर इतनी ज्यादा मसल मास ऐड करनी पड़ेगी। अब देखो ब्लेसिंग का मैं इतना बड़ा फैन नहीं हूं और हो सकता है वो स्टेज पर उस तरह से आए भी ना, उतने बिगर साइड पे आए भी ना, लेकिन एक अच्छी अप्रोच उन्होंने फॉलो करी कि काफी लंबे टाइम उन्होंने ऑफ सीजन लिया,
एक अच्छा टाइम यूटिलाइज कर रहा है और काफी ज्यादा बिगर दिख रहे हैं वो, काफी ज्यादा मसल मास होल्ड करे हुए दिख रहे हैं। वही चीज हम रीगन ग्राइम से भी एक्सपेक्ट करते हैं भाई, फ्रेम में कोई कमी नहीं है, एस्थेटिक्स बोल लो, शेप बोल लो, इवन बैक गाइस, बैक भी बहुत ज्यादा सुपीरियरली डेवलप्ड है इनकी। लेकिन साथ में गाइस वही कमी है कि भाई अपनी डेडिकेशन उस तरह की नहीं है आपकी, और इनके बारे में कई सारे एथलीट्स इस बारे में बोल चुके हैं। बाकी देखते हैं गाइस इनका ऑफ सीजन कैसा जाता है, कितने ज्यादा वेट पे अपना ऑफ सीजन क्लोज करते हैं। आई रियली होप 330-335 पाउंड्स पे क्लोज करें, बट वही मुझे लग रहा है 305-310 पाउंड्स के ऊपर ये नहीं जाएंगे, जैसे कि इनकी हिस्ट्री उससे हम लर्न कर सकते हैं। बाकी आई रियली होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया है तो प्लीज लाइक कर दो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ किसकी अपडेट्स आप मुझे कवर करते हुए देखना चाहते हो और किसकी अपडेट्स मैं और ज्यादा कवर करूं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, बाय बाय।